यहां आप लोगों को ये कहने आया हूं कि आप जब 17 तारीख के चुनाव में कमल के निशान के सामने बटन दबाएं, ऐसा मत समझिए कि प्रद्युमन तोमर जी को विधायक या मंत्री बनाने के लिए वोट डाल रहे हैं। भाइयों और बहनों, आपका एक वोट मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य सुनिश्चित करने के काम में आने वाला है। कि मध्य प्रदेश में फिर से बनने वाली भाजपा सरकार आने वाले दिनों में मोदी जी को फिर से इस देश का प्रधानमंत्री बनाने की नींव डालने की सरकार। भाई और बहनों, मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर पूरी दुनिया के अंदर भारत के तिरंगे को सम्मान दिलाने का काम किया है। आज दुनिया में कोई भी कहीं पर भी जाता है तो दुनिया में इंडियाज मोमेंट की बात हो रही है। भारत 11वीं अर्थव्यवस्था में से 5वीं अर्थव्यवस्था यही 9 साल में बना। और मैं आपको कहना चाहता हूं, तीसरी टर्म मोदी जी को दे दीजिए, 5वीं अर्थव्यवस्था से तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था देखते देखते भारत बन जाएगा। मित्रों, IMF भी स्वीकारता है कि डार्क जोन में एक ब्राइट स्पॉट भारत की इकोनॉमी है और भारत ने कोरोना के सामने जो लड़ाई लड़ी है आज पूरी दुनिया इसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है। ग्वालियर वालों, बताओ सभी को कोरोना के दोनों टीका लगे हैं या नहीं लगे हैं? हाथ ऊपर करो तो लगे या नहीं लगे गए? 25 पैसा भी किसी को देना पड़ा है? कॉफी पिलाकर मोदी जी ने टीका लगाया या नहीं लगाया? मोदी जी ने 220 करोड़ टीके लगाकर समग्र भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूसरे नंबर का मोबाइल निर्माता बन चुका है, तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप का केंद्र बन चुका है और रिन्यूएबल एनर्जी में भी दुनिया में भारत देखते देखते 9 साल में 11 नंबर से तीसरे नंबर पर आए हैं। ग्वालियर वालों, मुझे बताओ भैया, ये कश्मीर जो है ये भारत का है या नहीं? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी जो यहां सरकार बनाने के दावे करती है, 70 साल तक धारा 370 को अनोरस संतान की तरह, अनोरस बच्चे की तरह अपनी गोदी में खिलाने का काम करती थी, क्योंकि उनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स करनी। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाते ही 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। और उस वक्त एक कांग्रेस के राहुल बाबा, जानते हो ना? अरे भाई जानते हो ना? एक कांग्रेस के राहुल बाबा कहते थे, धारा 370 मत हटाओ, खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने की ये नरेंद्र मोदी सरकार। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। कांग्रेस की 10 साल सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। मोनी बाबा मनमोहन सिंह मुंह से उफ नहीं करते थे। आपने मोदी जी की सरकार बनाई, पाक से घुसे हुए आतंकवादियों ने उरी और पुलवामा में फिर से गलती कर दी। 10 ही दिन में मोदी जी ने एयर स्ट्राइक
और सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम। मित्रों, मोदी जी ने G20 को एक बहुत अच्छे तरीके से 58 से ज्यादा स्थानों पर भेजकर G20 समिट को भारत की भाषा, संस्कृति, खान पान, वेशभूषा, उसको समग्र दुनिया में पहुंचाने का काम किया। इसके साथ साथ वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को आज पूरी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को बोलती हुई है। ये सिद्धि मोदी जी ने G20 के माध्यम से की है। एक नई संसद बनाई, संसद बनाकर इसके अंदर सेंगोल को स्थापित किया। और मैं आज बताना चाहता हूं, ये राजमाता साहब की भूमि है, माताओं बहनों को 33% आरक्षण विधानसभा लोकसभा में देने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, कर्तव्य पथ का निर्माण किया, चंद्रमा पर तिरंगा पहुंचाया और देश को सुरक्षित कर आगे बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने न केवल भारत को गौरव दिया, भारत का विकास करने का भी काम किया है। ज्योतिरादित्य जी ने यहां की पूरी बात बताई है, इसमें मैं फिर से जाना नहीं चाहता, परंतु मैं कहना चाहता हूं, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में नहीं आई, मध्य प्रदेश श्रीमान बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। 18 साल में हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मध्य प्रदेश को बीमारू से बेमिसाल राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 23,100 करोड़ का बजट उसको बढ़ाकर 3,14,000 करोड़ तक ले गए। ST SC OBC का बजट 1,000 करोड़ का था, उसको 64 गुना बनाकर 64,400 करोड़ का किया। प्रति व्यक्ति आय 11,718 रुपया थी, उसको बढ़ाकर 1,40,000 तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। 5,00,000 किलोमीटर के नए रोड बनाए, 71,00,000 मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी की और राशन के लाभार्थी परिवार 1,26,00,000 करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और 64 लाख यात्री आते थे, इसकी जगह अब मध्य प्रदेश में 9 करोड़ यात्री आते हैं, ये परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मित्रों, मैं आज पूछना चाहता हूं कमलनाथ जी से, कमलनाथ जी आपने 1.5 साल में क्या किया? ऐसा नहीं है एक भी इंडस्ट्री नहीं लाए, आप खामखा बिचारे कमलनाथ को कोस रहे हो। इन्होंने भी काफी किया है, बहुत कुछ किया है। गुना के आंकड़ों में मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने का काम कमलनाथ जी ने किया था। कमीशन खोरी का उद्योग चलाने का काम कमलनाथ जी ने किया। ट्रांसफर इंडस्ट्री स्थापित करने का काम कमलनाथ जी ने किया। बेटा दामाद के कल्याण की नई परंपरा कमलनाथ जी ने शुरू की और हजारों करोड़ के घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार करने का काम सिर्फ 1.5 साल में कमलनाथ ने किया। मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, गलती से भी अगर कमलनाथ की सरकार आती है तो ये लाडली लक्ष्मी योजना आप समझ लो बंद कर ही देंगे, किसान कल्याण निधि आप समझ लो बंद कर ही देंगे, और ये ज्योतिरादित्य ने जितने सारे विकास के पेंडिंग काम बताए ना, उसका भी बंटाधार हो जाएगा। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी, परिवारवादी पार्टी, सोनिया गांधी अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है और कमलनाथ जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। अब जो बेटों का कल्याण करना चाहते हो वो ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण कर सकता है क्या?
जरा जोर से बोलो, कर सकता है। ग्वालियर और मध्य प्रदेश का कल्याण केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, करप्शन नाथ कमलनाथ की सरकार चाहिए या गरीब कल्याण वाली मोदी जी की सरकार चाहिए? आप मुझे बताओ, 2G घोटाला करने वाली कांग्रेस सरकार चाहिए या देश को 5G देने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए? आप मुझे बताओ, डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स करने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए या जातिवादी राजनीति करने वाली कांग्रेस की सरकार चाहिए? मित्रों, जवाब आप सभी का स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश का विकास नहीं कर सकती। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। सिंधिया जी ने ग्वालियर के लिए बता दिया है, यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है, एलिवेटेड रोड बन रहा है, 1000 बिस्तर का नया अस्पताल बन रहा है, नया क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है, नया रेलवे स्टेशन बन रहा है, मालनपुर में 100 करोड़ की लागत से सैनिक स्कूल मिल चुका है, ग्वालियर में चंबल से पानी लाने की योजना बन चुकी है, शिवपुरी, दतिया और श्योपुर में मेडिकल कॉलेज शुरू हो चुका है, ग्वालियर मुरैना के पेयजल के लिए 250 करोड़ रुपया और मंजूर हो चुका है, और इसके साथ साथ कृषि और संगीत का विश्वविद्यालय भी ग्वालियर को मिल गया है और ड्रोन एकेडमी भी ग्वालियर के अंदर खुलने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, ग्वालियर और मध्य प्रदेश का विकास अगर कोई कर सकता है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। देश को सुरक्षित कोई कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। देश को दुनिया में 3rd नंबर की अर्थव्यवस्था अगर कोई बना सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी बना सकते हैं। और इसके साथ साथ परिवारवादी राजनीति को कोई समाप्त कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मुझे बताओ ग्वालियर वालों, 2024 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? अरे जरा जोर से बोलो, बनाओगे? प्रद्युमन जी को जिताओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा सरकार बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाइए दोनों हाथ, विजय के विश्वास की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।